दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो है शेयर किया था, अगर आप जो अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन कर लेते हैं, अपस्टॉक में ओपन कर लेते हैं, ग्रो एप में जो है ओपन कर लेते हैं या फिर एंजल वन में जो है ओपन कर लेते हैं, तो आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट ब्रोकर हो सकता है ब्रोकरेज के बेस पे, जहां पर अगर आप जो है इक्विटी में, इंट्राडे में या डिलीवरी में जो है ट्रेडिंग करते हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने उस वीडियो को खूब शेयर किया। उस वीडियो के बाद आप इसे कई सारे भाइयों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और अब आप में से कई सारे भाई ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें जो है चूज करना हो पेटीएम मनी में, धन ऐप में, एम स्टॉक में या जो फाइव पैसा ऐप है उसमें अगर हमें चूज करना हो और हम जो है इक्विटी में, इंट्राडे में या डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऐप हो सकता है, कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है आज के टाइम में। तो दोस्तों आज आपकी डिमांड में मैं ये वीडियो लेके आऊँ जहाँ पर मैं आपको जो है लाइव कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ इन सभी एप्लीकेशन का जो ब्रोकरेज चार्जेज है, किसमें आप ज़्यादा पे करने वाले हो, किसमें कम पे करने वाले हो। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इनमें से किसी भी ऐप को कंसीडर करने वाले हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, इससे आपकी जो है जरूर हेल्प होगी। आप मेरी बात क्यों सुने, ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि मैं आपको किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं कहता हूँ कि नीचे एक लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें या मेरा कोई जो है कोड यूज करें, और ना ही मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो करता हूँ, ना ही कोई पेड वीडियो करता हूँ। जितनी भी जानकारी मैं लेके आता हूँ आपके लिए लेके आता हूँ, आपकी जो है कोई ना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज में जो है इनहांस करना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों साथ में इस वीडियो को जो है लाइक भी जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ देखने के बाद खूब शेयर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज जानते हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग कंपनी के जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उनको ओपन कर लिया। सबसे पहले इस वीडियो में हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं पेटीएम मनी के चार्जेज। यहाँ पर स्क्रीन पे हम जो है डालने वाले बाय प्राइस, इसके बाद जो सेल प्राइस है 120, क्वांटिटी हमारी 100 रहने वाली है। ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आप जो है 20 रुपये या फिर जो 2.5% आपके टर्नओवर का वो आप देने वाले हो। इंट्राडे में अगर ट्रेड करते हैं तो आप जो है 0.05% आपके टर्नओवर का या फिर जो है आप 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने वाले हो। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपको जो है 20 रुपये देने हैं, तो मैं 20 रुपये ये यहाँ पर डाल देता हूँ। इसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इंट्राडे में अगर इसकी कैलकुलेशन देखेंगे आप, तो आप देखेंगे नेट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है पेटीएम मनी के अंदर वो है 1948.58 रुपये। यहाँ पर आपकी ब्रोकरेज चार्जेज जो हैं 40 रुपये लग रहे हैं और जो टोटल चार्जेज आपके टर्नओवर पे लगते हैं 51.42 रुपये लगते हैं। उसके बाद आपका जो ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो है 1948.58 रुपये। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर धन ऐप के अंदर, यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर हम जो है इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कोई स्टॉक ले लिया एग्जांपल के लिए इक्विटी के अंदर, यहाँ पर जिसमें इसका प्राइस रहने वाला है 100 रुपये और जो सेल प्राइस है वो रहने वाला है 120 का और जो क्वान्टिटी है वो रहने वाली है 100 और NSE में हम ये जो है करने वाले हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेड वैल्यू कितनी है, बाई वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू कितनी है। ब्रोकरेज चार्जेज यहाँ पर जो है 6.60 रुपये रहने वाले हैं। नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों यहाँ पर जो रहने वाला है 1988.03 रुपये रहने वाला है। अगर इसको कंपेयर करें पेटीएम मनी से तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस था वो था 1948.58 रुपये, जो कि धन ऐप के अंदर बहुत ही बढ़िया आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलते हैं। पेटीएम मनी में आपके चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर जो है 40 रुपये कट रहा है, जबकि धन ऐप के अंदर आप देखेंगे तो आपका 6.60 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस कटता है इंट्रा डे के अंदर। दोस्तों इसके बाद जो है नंबर आता है 5paisa.com ऐप का, यहाँ पर जो है हमने लॉट में जो है क्वांटिटी डाल दी है, इसके बाद जो है बाय प्राइस 100 डाल दिया, सेल प्राइस 120 डाल दिया है, इंट्रा डे में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जो है 3 प्लान आते हैं, रेगुलर अकाउंट आता है, पारो इन्वेस्टर आता है, अल्ट्रा ट्रेड आता है। यहाँ पर जो बेसिक प्लान है हम उसी के ऊपर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये पावर इन्वेस्टर लेते हो तो 599 प्लस GST पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। अल्ट्रा ट्रेड अगर आप इसका प्लान लेते हो तो 1199 रुपीज आपको जो है पर मंथ पे करने पड़ते हैं, प्लस जो आपके टैक्सेस होंगे वो पे करने पड़ते हैं। तो इस ऐप के अंदर 5paisa के अंदर हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं जो रेगुलर अकाउंट आप जो है यहाँ पर ओपन करते हो, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं।
दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो टोटल चार्जेज हैं 53.62 रुपए रहने वाले हैं, और यहां पर जो ब्रोकरेज चार्जेज है वो भी आप जो है 40 रुपए देने वाले हो। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल चार्जेज है वो भी ज्यादा है धन के कंपैरिजन में, और जो आपका ये पेटीएम मनी है इसका अगर देखेंगे तो इससे भी ज्यादा चार्जेज आप जो है 5paisa.com जो ऐप है वहां पर पे कर रहे हैं। स्टॉक का वैसे डायरेक्टली कोई भी कैलकुलेटर काम नहीं करता है, तो इसके लिए मैं यहां पर एक थर्ड पार्टी कंपनी है उसके कैलकुलेटर पे आ गया हूं। यहां पर ये कैलकुलेटर जो है बेसिकली सही तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखाता है। तो दोस्तों यहां पर जो लाइव जीरो ब्रोकेज प्लान है उसमें मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्लान जो है आपको 999 में मिलता है। मैं यहाँ पर प्लान 2 में कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर क्वांटिटी जो है 100 रहने वाली है, प्राइस जो है यहाँ पर 100 रहने वाला बाय के अंदर, और ये जो है एनएससी में रहने वाला है। कैलकुलेट यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साइड का जो ब्रोकरेज है आप 30 रुपए देने वाले हो, और यहाँ पर जो है 36 रुपए 11 पैसे आप पे करने वाले। दोस्तों यहाँ पर मैं जो है कैलकुलेटर को लेके आता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपने बाय किया इतने में, अब हम देख लेते हैं अगर हम इसको जो है सेल करते हैं सेम चीजें रहेंगी, सेल बस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 120। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल नेट क्रेडिट है 11,954 रुपए 3 पैसे आते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है 1917 रुपए 92 पैसे रहने वाला है। अब दोस्तों यहां पर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है उसको देख लेते हैं। यहां पर पेटीएम मनी में आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट लॉस रहने वाला है 1928 रुपए 38 पैसे रहने वाला है। वहीं अगर धन की बात करें तो यहां पर आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है 1988 रुपए 3 पैसे रहने वाला है। 5 पैसे की बात करें दोस्तों यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला मैं आपको जो है कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। आपका नेट जो प्रॉफिट रहने वाला है 2000 रुपए रहने वाला, जो टोटल चार्जेस आप यहां पर पे करने वाले हो 53 रुपए 62 पैसे पे करने वाले, टोटल आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर रहने वाला है 1946 रुपए 38 पैसे रहने वाला। तो अब तक सबसे ज्यादा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलने वाला है वह है धन ऐप के अंदर, सबसे कम आपको मिलने वाला है पेटीएम मनी के अंदर, तीसरे नंबर पे जो आपका आ गया है वो है आपका ये 5paisa.com जो कंपनी है ये। दोस्तों इसके बाद जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एम स्टॉक के अंदर आप टोटल कितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है करने वाले हो। यहाँ पर जो टोटल आप सेल करने वाले इतने की, और यहाँ पर जो आपका टोटल खर्चा आने वाला है बाय करने पे वो भी हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहता है एम स्टॉक के अंदर 1917 रुपए 92 पैसे रहता है। यहाँ हमने देखा था कि 1946 रुपए के आसपास रहता है 5paisa के अंदर, धन ऐप के अंदर 1988 रुपए 3 पैसे रहता है, और जो आपका पेटीएम मनी है उसमें 1948 रुपए 38 पैसे रहता है। वीडियो में दोस्तों अब तक आपने देखा, अगर आप जो है इन ऐप्स के अंदर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उस केस में आपको सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट एंड लॉस किस ऐप के अंदर मिलता है, वीडियो के इस पार्ट में दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप जो है इक्विटी में ट्रेड करते हैं और डिलीवरी में जो है ट्रेडिंग करते हैं उस केस में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस ऐप के यहाँ होगा, किस ब्रोकर के यहाँ होगा, उसको चेक करने के लिए मैं आपको जो स्क्रीन पे लेके चलूंगा। सबसे पहले जो हम पेटीएम मनी पे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है, बाय प्राइस जो है सेम रहने वाला है, सेल प्राइस जो है सेम रहने वाला है, क्वांटिटी आपका 100 रहने वाला है, ब्रोकरेज यहाँ पर जो है फिक्स है 20 रुपये आपके लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिलीवरी में आपका जो टोटल नेट एंड प्रॉफिट आने वाला है 1928 रुपए 38 पैसे। इसके बाद दोस्तों धन ऐप के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमें जो है डील करनी है आपका डिलीवरी में। जी हाँ दोस्तों डिलीवरी में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो बाय प्राइस है 100 रुपीज रहने वाला है, सेल प्राइस 120 रुपीज रहने वाला है, क्वांटिटी आपकी जो है 100 रहने वाली, एनएससी में आप जो है ये करने वाले। दोस्तों यहाँ पर आप डिलीवरी में देख सकते हैं धन ऐप के अंदर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका रहने वाला है 1960 रुपए 87 पैसे रहने वाला है। वहीं ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस पेटीएम में था 1928 रुपए 38 पैसे, तो ये पेटीएम से कहीं बेटर है अभी तक। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5paisa के अंदर, अगर आप जो है वहां पर डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, यहां पर लॉट जो है 100 का रहने वाला है, बाय प्राइस 100 रहने वाला है, सेल प्राइस 120 रहने वाला है, डिलीवरी में हम ट्रेड करने वाले हैं, रेगुलर अकाउंट आप यहां पर जो है ओपन करने वाले, जो बेसिक अकाउंट होता है जहां पर 20 रुपए आप ब्रोकरेज देने वाले। उसके बाद यहां पर जो है कैलकुलेट पे जो है हम बटन दबा देते हैं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे टोटल जो चार्जेज आप पे करने वाले हो 70 रुपए 12 पैसे। इसके बेस पे यहां पर हम देख सकते हैं कि आप जो टोटल यहां पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करने वाले हो
वो है आपका 1929.28 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1930 रुपए के आसपास ये हो गया, 1960 रुपए के आसपास हो गया आपका धन ऐप में, और आपका जो 1928 रुपए है पेटीएम मनी में, यानी जो आपका 5 पैसा ऐप है और जो पेटीएम मनी ऐप है, ये लगभग दोनों ही एक जैसे आपको लगते हैं अगर आप जो है इक्विटी में डिलीवरी में ट्रेड करते हैं। सबसे लास्ट में बात करते हैं एम स्टॉक के बारे में। यहाँ पर अगर हमें जो है ऑप्शन मिलता है, अगर आप जो है डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बाय की बात करते हैं। यहाँ पर हमने जो है 100 क्वांटिटी परचेज की है, प्राइस जो है 100 रुपीज रहने वाला है, बाय इस पे करने वाले हैं। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इसका जो टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है वो है आपका 10,011.91 रुपए। इसके बाद हमें जो है सेल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, सेल प्राइस जो है 120 रहने वाला है। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है हम इसको जो है ये एम स्टॉक के अंदर करते हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है 1975.60 रुपए रहने वाला है। वही अगर 5 पैसे की बात करें तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है 1930 के अराउंड रहने वाला है। इसके बाद धन ऐप के अंदर आपको जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है 1960 रुपए 87 पैसे, और पेटीएम मनी में भी आपको जो है लगभग 1928 रुपए के आसपास ये जो है बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा अगर आप जो है पेटीएम मनी से इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, या फिर जो है आप धन ऐप के अंदर ट्रेड करते हैं, या फिर एम स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, या फिर आप जो है 5 पैसा के अंदर ट्रेड करते हैं इक्विटी डिलीवरी के अंदर, तो उस केस में आपके लिए सबसे बढ़िया जो ब्रोकर रहने वाला है वो है एम स्टॉक ऐप, क्योंकि वहां पर आपका जो प्रॉफिट लॉस है सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बात करें अगर आप जो है इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ब्रोकर ऐप रहने वाला है वो है धन ऐप इन चारों ऐप में से, क्योंकि धन ऐप के अंदर आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी कम है, और वहां पर आपने देखा लाइव की जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है सबसे ज्यादा आता है इन चारों एप्लीकेशन में जो कंपैरिजन हमने किया। दोस्तों, अगर आपका इनमें से किसी ऐप के अंदर डीमैट अकाउंट है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें, दूसरे लोगों की जो है हेल्प जरूर करें, क्योंकि आपके पास इन ऐप का जो है रियल एक्सपीरियंस है। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को कि किस डीमैट अकाउंट को उनको ओपन करवाना चाहिए, उसके अंदर क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती हैं, आप जो है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आज की डेट में आप जो है पेटीएम मनी में डीमैट अकाउंट जो है ओपन करना चाहते हैं, पेटीएम मनी के बारे में A to Z जो है जानकारी जानना चाहते हैं, एंड में आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलने वाली है, उस वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देख लेना, आपको उसमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको इसमें जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा। इसी बात पर प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, वीडियो को जो है शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए थे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों प्लीज नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाकर चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो बेहतरीन वीडियो आने वाली है उसको जो है आप मिस ना करें।